नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्वरूपा जायसवाल है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट कम आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स के बारे में। हमारे सोसाइटी में आईवीएफ को लेकर के काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से लोग आईवीएफ कराने में हिचकिचाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बताऊंगी और हम ये जानेंगे कि क्या ये मिसकंसेप्शन सच है या झूठ। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में होता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत फ़र्क नहीं होता है, ये बस प्रेगनेंसी करने का एक तरीका होता है। इससे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आज दुनिया भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा आईवीएफ बच्चे पैदा हो चुके हैं और वो लोग सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनमें से कई लोगों का तो खुद का भी बच्चा हो गया है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुआ है। तो आईवीएफ से घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है और इससे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो है कि क्या हम आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इसमें हिलना डुलना नहीं होता है, हमेशा घर में बेड पे पड़े रहना होता है, तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ प्रोसेस के दौरान भी और आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसमें भी बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जो महिलाएं जॉब करती हैं वो जॉब भी कंटिन्यू कर सकती हैं। ये आईवीएफ प्रोसेस पूरा ओपीडी प्रोसेस है। इसमें आपको सिर्फ सेंटर में आना है, मेडिसिन खाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कुछ इंजेक्शन लेने हैं और आराम से आप अपना डेली नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड मिसकंसेप्शन जो आईवीएफ रिलेटेड है कि आईवीएफ के बाद या आईवीएफ के समय बहुत खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि हम अनार नहीं खा सकते, एप्पल नहीं खा सकते, पाइनएप्पल नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है और बिल्कुल नॉर्मल डाइट मेंटेन करके रखना है। हाँ, प्रेगनेंसी जब एक बार हो जाती है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप बाहर का फूड ना खाएं, ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, प्लस थोड़ी ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा। तो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो चीज़ें नहीं करनी होती है वही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी नहीं करना होता है, अलग से कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है आईवीएफ रिलेटेड कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी होता है, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आईवीएफ में जनरली हम लोग 2 भ्रूण डालते हैं गर्भ के अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम से कम 1 भ्रूण जाके चिपक जाए और आईवीएफ का सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही भ्रूण जाके गर्भ में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है, लेकिन ये 100% केसेस में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ जो नेक्स्ट जो आपका मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ हमेशा ही गारंटीड ट्रीटमेंट है। लोग कपल हमारे पास आते हैं और क्वेश्चन यही करते हैं कि आईवीएफ कराने के बाद क्या आप हमें 100% गारंटी देते हैं कि हमारा बच्चा हो जाएगा। तो देखिए, आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है, ये मैजिक नहीं है और दुनिया में किसी भी ट्रीटमेंट का 100% गारंटी नहीं होता है। पर हाँ, आजकल काफ़ी एडवांस हो गया है आईवीएफ, कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मेडिसिंस काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, इंजेक्शंस की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पर हम किसी भी कपल को ये नहीं कह सकते कि आईवीएफ कराने के बाद आपका 100% बच्चा होगा। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन होता है कि आईवीएफ में हम सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि आईवीएफ से हमें अगर लड़का चाहिए तो लड़का हो जाएगा, लड़की चाहिए तो लड़की हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही भूल धारणा है, क्योंकि आईवीएफ में क्या होता है कि हम एक एग और एक स्पर्म को मिला के भ्रूण बनाते हैं। अब ये हमने उस भ्रूण में एक्स स्पर्म डाला है या वाई स्पर्म डाला है, ये हम नहीं देखते हैं, क्योंकि एक्स और वाई स्पर्म देखने के लिए
कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, जस्ट हम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखते हैं और जो सबसे अच्छा स्पर्म होता है उसे लेकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या भ्रूण बनेगा, एक्स वाई बनेगा या एक्स एक्स बनेगा, मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। इसमें आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है। ये एक चांस की बात होती है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के यहाँ पास कि IVF हर जगह सेम होता है, मतलब आप कहीं भी IVF कराओ सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। IVF जो है वो टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें अगर आपका सेंटर में आपका लैब बहुत अच्छा है, लैब में जो फैसिलिटीज़ यूज़ हो रही है, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं, इससे IVF का सक्सेस रेट बहुत मैटर करता है। प्लस IVF सेंटर में जो आपकी टीम है वो कैसे काम कर रही है, वो कितनी डेडिकेटेड है आपके IVF ट्रीटमेंट के लिए, इस पर भी सक्सेस रेट बहुत डिपेंड करता है। तो IVF जो है वो हर जगह सेम नहीं है, हर IVF सेंटर का अपना सक्सेस रेट है, अपनी फर्टिलिटी रेट है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके कई मिसकंसेप्शन दूर हुए होंगे और आप बेझिझक IVF प्रोसेस की हेल्प से अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराएंगे। नमस्ते।